मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले घोल नामनी माछलीने स्टेट फिश तरीके जाहिर करी। अमदावाद साइंस सिटी खाते वर्ल्ड फिशरीज डे निमित्ते ग्लोबल फिशरीज कॉन्फरेंस इंडिया 2023 नो प्रारंभ करावता मुख्यमंत्री जणाव्युं हतुं के सौथी लांबो दरिया किनारो धरावतो गुजरात मत्स्य उत्पादन में देश में अग्रेसर छे। वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी मार्गदर्शन में गुजरात में ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र झड़पथी आगळ वधी रह्यो छे। मुख्यमंत्री आ प्रसंगे केन्द्र अने सरकार द्वारा मछीमारो माटे शुरू करवामां आवेल कल्याणकारी योजनाओ अने राज्यनी उपलब्धिओ विशे माहिती आपी। अत्रे उल्लेखनीय छे के आ बे दिवसीय कॉन्फरन्समां देश विदेशमांथी मत्स्य उद्योग अने मत्स्यपालन साथे संकळायेल 5,000થી વધુ સહભાગીઓ ભાગ લેશે। આ કાર્યક્રમમાં મહાનુભાવોના હસ્તે સ્ટેટ ફિશ બુક લોન્ચિંગ સાથે સાથે પીએમ ગતિશક્તિ સ્કીમ હેઠળ રાજ્ય સરકારનું ઇનલેન્ડ રિઝર્વોયર લીઝ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। गुजरात के पास देश का 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज स्टेट के लिए खुशी का दिन है। आज घोल मछली को हमने स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। भूपेन्द्र पटेले जणाव्युं हतुं। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज स्टेट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज धोल मछली को हमने स्टेट फिश के नाम से डिक्लेयर किया है।